दोस्तों, आपने लल्लन टैप चैनल का नाम जरूर सुना होगा या फिर उनके वीडियो जरूर देखे होंगे जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन सौरभ द्विवेदी वो नाम है जिनके वीडियोस के इंतजार दर्शकों को बेसब्री से रहता है, क्योंकि न्यूज एंकरिंग का उनका एक अनोखा अंदाज है। बाकी लल्लन टैप चैनल तो लल्लन टैप न्यूज ही दिखाता है। जहाँ आज के युग में लोग व्हाट्सएप के फेक न्यूज पर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं, वहीं लल्लन टैप इन फेक न्यूज का पर्दाफाश करता है। और सौरभ द्विवेदी उन 5 व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने लल्लन टैप की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल की स्थापना की। तो आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के गांव से आए एक पत्रकार सौरभ द्विवेदी जी के लल्लन टैप सफर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 22 अप्रैल 1983 से, जब बुदेलखंड के कस्बे उरई के छोटे से गांव चमारी में सौरभ का जन्म हुआ था। इनकी स्कूली शिक्षा उरई में हुई। इसके बाद एक कॉलेज की पढ़ाई के लिए कानपुर गए और गणित में स्नातक किए। इनको शुरू से ही फिल्म देखने और साहित्य का शौक था। शुरुआती समय में सौरभ को पत्रकारिता की बिल्कुल जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बार सौरभ द्वारा लिखे गए निबंध को उनके प्रोफेसर ने पढ़ा और उस निबंध से इतने खुश हुए कि सौरभ से कहा कि तुम पत्रकारिता में अपना भविष्य बनाओ। प्रोफेसर की बात सुनकर और उनसे मार्गदर्शन लेकर सौरभ पत्रकारिता की पढ़ाई करने दिल्ली चले गए। दिल्ली में रहकर कड़ी मेहनत किए और JNU के प्रवेश परीक्षा में पास होकर हिंदी साहित्य में मास्टर ऑफ आर्ट्स किए। JNU से MA कम्प्लीट करने के बाद इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से PG डिप्लोमा किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा। 2007 में स्टार न्यूज में इंटर्नशिप करने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स में काम किए और आगे चलकर दैनिक भास्कर में काम करने लगे। न्यूज चैनलों में काम करने के दौरान सौरभ को पता चला कि अधिकतर न्यूज कॉपी पेस्ट होते हैं, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं होता, जो सिर्फ TRP के लिए दिखाए जाते हैं। पत्रकारों का नाम सुनते ही हमारा दिमाग में आता है कि एक कुर्ता पैजामा पहना आदमी जिसके बगल में एक कपड़े का झोला लटका रहता है। लेकिन सौरभ ने पाया यहाँ उनके सोच के बिल्कुल विपरीत पत्रकार सूट बूट में रटे रटाए खबर सुनाते थे। सौरभ ने ठान लिया कि मुझे कुछ अलग करना है और अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण किए जिसका नाम था लल्लन टैप, जिसमें सौरभ और उनके दोस्त ब्लॉग लिखा करते थे। सोशल नेटवर्क यूट्यूब में लोगों की रुचि देखते हुए इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया और देश दुनिया की न्यूज़ दिखाने लगे। क्योंकि सौरभ को पहले से ही कंटेंट मेकिंग और न्यूज एडिटिंग आती थी, जिसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। न्यूज़ दिखाने के अलावा लल्लन टैप फेक न्यूज़ की पड़ताल भी करता है, जिसकी बदौलत आज उनके चैनल पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और आज लल्लन टैप पर सैकड़ों लोग काम करते हैं। जो किसी पत्रकारिता फील्ड से नहीं आते वो भी लल्लन टैप के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। आज यूट्यूब हो या फेसबुक, लल्लन टैप नंबर 1 न्यूज चैनल है और सौरभ द्विवेदी का तो अंदाज ही निराला है। उनके इसी अंदाज ने उन्हें घर घर तक पहुँचा दिया है। सौरभ द्विवेदी उन तमाम लोगों के लिए एक उदाहरण है जो साहित्य प्रेमी हैं पर काम कुछ और करते हैं। उनसे कहना चाहूँगा कि आप लिखना मत छोड़िए, क्या पता आपकी मेहनत रंग ला दे। तो ये थी दोस्तों लल्लन टैप के सौरभ द्विवेदी जी की संघर्ष की कहानी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमें सोशल नेटवर्क फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।